भाई वुमन इक्वल टू वुमन वाला सीन नहीं है मेरे लिए, बिकॉज वुमन या मैन ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान इंसान होते हैं। एंड वुमन इक्वल टू वुमन क्यों, एक वुमन दूसरी वुमन से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे लिए एक माँ का दर्जा हमेशा किसी भी लड़की से, किसी की वाइफ से, बहन से ऊपर ही होगा, पता नहीं क्यों, वो मेरे को नहीं पता, वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को नहीं पता। लेकिन वो स्टोरी जो मैंने देखी, जो मैंने डाली है, वो इसलिए क्योंकि मेरे को गैंग अप वाला सीन पसंद नहीं है, कि मतलब एक के पीछे कुत्तों की तरह सब पड़ जाओ गैंग, वो भी गैंग बना के। पर्सनल हमेशा पर्सनल होता है, वन वर्सेस वन, एक को करने के लिए झुंड में सारे आ जाओगे तो यू नो स्टिल एमिवे भाई स्ट्रांगली खड़े वहाँ पे, और मेरे को पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब मैंने वो देखा। पता नहीं वो रियल है कि नहीं, बट ब्रो अगर वो रियल है तो सब यहाँ पे सोलो वर्सेस सोलो देखना चाहते थे। हाँ हम भी वही चाहते हैं, एमिवे वर्सेस कृष्णा हो रहा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है ब्रो। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, हिप हॉप गंदा हो रहा है, बंदा हो रहा है, नहीं, वो क्योंकि उनका आपस का मामला है, हिप हॉप इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा लोग सुन रहे, यूट्यूबर्स तक पहुँच रहे, सब कुछ पहुँच रहा है। बट जब मैंने वो स्टोरी देखी कि यू नो ऐसा प्लानिंग और प्लॉटिंग करके वो कर रहे, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा लगता है किसी के पीछे ये सब करना, भाई यू नो पता नहीं क्यों वो रेस्पेक्ट बढ़ गया एमिवे के लिए, कि लोग इतना हद तक उनको गिराना चाह रहे हैं। और चलो रेस्पेक्ट भी नहीं, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, बट मैं ये नहीं देख सकता कि यू नो किसी एक के पीछे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग, यू नो उसके ये कर दो वो कर दो, भाई नहीं जम रहा ब्रो, नहीं जम रहा। अगर वो रियल है ना तो वो नहीं जम रहा है भाई, यू नो आर्टिस्ट वर्सेस आर्टिस्ट, सीधी बात है। इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसको गिराने का नहीं भाई, एमिवे वो कर भी नहीं सकता, मेरे को मालूम है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं है, क्यों पता है क्या, क्योंकि मैं बस बोल रहा हूँ जो मैंने देखा, नहीं जम रहा तो नहीं जम रहा ब्रो, नहीं जम रहा तो नहीं जम रहा, पता नहीं क्यों। मतलब एक होता है ना सडन रिएक्शन आ जाता है किसी चीज़ को देखे, हम उसके बारे में डबल सोच ही नहीं सकते कि ये बोलना चाहिए क्या, ये इस एंगल से सही है, नहीं ब्रो वो देख के ही अच्छा नहीं लग रहा है। वो अभी कैसा लग रहा है पता है क्या, को क्लास में जो एक नहीं होता है, एक दादा भाई होता है और दूसरा वाला एक ओपोनेंट होता है, वो उसको सीधा तो नहीं मार सकते, तो वो पूरे बच्चों के साथ प्लान करता है कि टीचर को इसका नाम देंगे, टीचर को ये करेंगे, टीचर को बोलेंगे ये वो, प्रिंसिपल तक इसका नाम पहुँचाएंगे, ऐसा वाला। मेरे दिमाग में कोई सेकेंड थाट आया नहीं, और मेरे को लगता है आप लोग एग्री करोगे ना, कोई सेकेंड थाट ही नहीं आया, आर्टिस्ट वर्सेज आर्टिस्ट ब्रो। फिर उसके पीछे इतने सारे लोग क्यों, तेरी पी उसके इतने पीछे फिर